हेलो फ्रेंड्स, आप IAS में आपका स्वागत है। हम आज अपने मेंस डिस्कशन के अंतर्गत चंद्रशेखर आज़ाद और बाल गंगाधर तिलक के बारे में देखेंगे। इसे आप हमारे सिलेबस GS पेपर 1 के अंतर्गत दिए गए टॉपिक 18वीं शताब्दी के लगभग मध्य से लेकर वर्तमान समय तक का आधुनिक भारतीय इतिहास, महत्वपूर्ण घटनाएँ, व्यक्तित्व और विषय से जोड़कर देख सकते हैं। UPSC ने जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी के बारे में प्रश्न पूछ चुकी है, पूछा जा सकता है क्योंकि 23 जुलाई को इनका जन्मदिवस मनाया जाता है। चलिए हम आज का अपना डिस्कशन शुरू करते हैं। सबसे पहले चंद्रशेखर आज़ाद। चंद्रशेखर आज़ाद भारतीय क्रांति में एक महत्वपूर्ण नाम। इनका जन्म वर्तमान मध्य प्रदेश के भौंरा के अंतर्गत 23 जुलाई 1906 को हुआ था। इनके पिताजी का नाम चंद्रशेखर तिवारी सीताराम और इनकी माँ का नाम जगरानी देवी था। जब ये बड़े होते हैं तो इनको पढ़ने के लिए बनारस के काशी विद्यापीठ भेज दिया जाता है। उसके कुछ समय के बाद जब ये 15 वर्ष के थे, उस समय महात्मा गांधी के द्वारा असहयोग आंदोलन चलाया जाता है, इसमें वो जोर शोर से शामिल हो जाते हैं। कुछ समय के बाद इसी आंदोलन के अंतर्गत, यानी कि असहयोग आंदोलन के अंतर्गत, चंद्रशेखर आज़ाद को गिरफ्तार कर लिया जाता है और इन्हें मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है। जब इन्हें पेश किया गया था, उसी समय इनसे पूछा गया था कि आपका नाम क्या है, तो इन्होंने बताया आज़ाद। इनको पूछा गया कि आपके पिताजी का नाम क्या है, तो इन्होंने कहा स्वतंत्र। इनको कहा गया कि आपका घर कहाँ है, तो इन्होंने कहा जेल। इसी के बाद से इनका नाम आज़ाद पड़ गया, तो ये आप ध्यान में रखेंगे। आगे चलकर जब चोरा चोरी की घटना होती है, महात्मा गांधी के द्वारा असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया जाता है, तो चंद्रशेखर आज़ाद जैसे बहुत सारे ऐसे युवा क्रांतिकारी थे जो निराश हो जाते हैं, लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद उनमें से कुछ अलग थे। ये हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापक राम प्रसाद विस्मिल के संपर्क में आते हैं और इस संस्थान के लिए धन जुटाने के क्षेत्र में कार्य करने लगते हैं। इसी धन जुटाने के कार्य के अंतर्गत 1925 का काकोरी कांड, आप इसे जानते हैं, इसमें एक सरकारी धन को लूटने का कार्य किया जाता है। जब पता चलता है कि उस सरकारी खजाने में बहुत अधिक पैसे हैं, आगे चलकर बिस्मिल और अशफाकउल्ला खान को सरकार के द्वारा पकड़ लिया जाता है इसी काकोरी कांड के अंतर्गत, लेकिन आज़ाद उससे बच निकलते हैं। अन्य कुछ मामलों में जहां पर आज़ाद शामिल थे, उनमें से एक वायसराय जो तत्कालीन भारत के थे, उनके ट्रेन को उड़ाने के लिए इन्होंने प्रयास किया था। कब किया था? 1926 में। 1928 में JP सैंडर्स जो थे, उनको हत्या करने के साजिश में भी ये शामिल थे। JP सैंडर्स वो व्यक्ति हैं जिन्होंने लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज की और अंततः लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। इसी के गुस्सा को प्रदर्शित करने के लिए इनके द्वारा, यानी कि युवा क्रांतिकारियों के द्वारा, JP सैंडर्स की हत्या की साजिश रची जाती है और उसमें चंद्रशेखर आज़ाद भी थे। ये एक उत्कृष्ट निशानेबाज थे और ये जितने भी युवा क्रांतिकारी थे, उन लोगों को ओरछा वन में प्रशिक्षित करने का कार्य भी करते हैं। आगे चलकर भगत सिंह, राजगुरु और कुछ अन्य करीबियों के साथ मिलकर इन लोगों के समूह के द्वारा जो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन था, उसका नाम पलट करके, यानी कि बदल करके, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन कर दिया गया था, जो आज वर्तमान में आप दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान जान रहे हैं, उसी मैदान में इस नाम को परिवर्तित किया गया था। आज भी देश में कुछ ऐसे लोग हैं जो देशद्रोही हैं, उसी प्रकार से उस समय भी कुछ लोग थे जो कुछ अलग मानसिकता के थे। उन्हीं में से एक के द्वारा जब 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में ये अपने एक साथी के साथ बैठे हुए थे, बात विचार कर रहे थे, रणनीति बना रहे थे, उसी समय किसी के द्वारा मुखबरी कर दी जाती है। वहां पर चारों तरफ से इस पार्क को घेर लिया जाता है और इनको मार दिया जाता है, इनकी हत्या कर दी जाती है। उनके हिसाब से ये हत्या था,
हम भारतीयों के लिए ये शहीद हैं, जब तक भारत का अस्तित्व रहेगा तब तक इनका नाम हमारी मिट्टी में, हम युवाओं के अंग अंग में होगा। तो फ्रेंड्स, ये चंद्रशेखर आज़ाद थे। अब हम आज अपने डिस्कशन में बाल गंगाधर तिलक को देखेंगे। बाल गंगाधर तिलक, सबसे पहले आपको दो तीन चीज़ों को ध्यान रखना है। बाल गंगाधर तिलक एक ऐसे व्यक्ति थे जिनके द्वारा स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूँगा, इस आग को इनके द्वारा ही पूरे भारत में फैलाया गया था। तो इस लाइन को आप याद रखेंगे। आपसे यदि ये पूछा जाए कि इस लाइन को किसने कहा था, तो आप बताएंगे कि ये बाल गंगाधर तिलक के द्वारा था। फ्रेंड्स, इसी क्रांतिकारी रवैये के वजह से जो ब्रिटिश सरकार थी तत्कालीन भारत में, उनके द्वारा इन्हें भारतीय अशांति का जनक कहा जाता था। लेकिन जो इनके अनुयायी थे और हम जैसे भारतीय युवा हैं, उनके द्वारा इनको लोकमान्य की उपाधि दी जाती है। उस समय भी लोग, आम लोगों के द्वारा लोकमान्य की उपाधि दी गई थी। लोकमान्य का मतलब है लोगों के द्वारा सम्मानीय व्यक्ति, लोगों के द्वारा माना जाने वाला व्यक्ति। एक एक करके बहुत सारी इनकी बारे में जानकारियां हैं, उसको हम देखते हैं। आप याद रखने की का प्रश्न करेंगे, मेंस में भी पूछा जाए, प्रीलिम्स में भी पूछा जाए, आप उसका आंसर दे पाएंगे। सबसे पहले, बाल गंगाधर तिलक कांग्रेस में कब ज्वाइन हुए थे, तो आप बताएंगे 1890 में। हालांकि इनके ज्वाइनिंग के बाद ही इन्होंने जो वर्तमान प्रवृत्ति थी, यानी कि 1890 तक जो कांग्रेस की वर्तमान प्रवृत्ति थी, उसको बदलने की कोशिश करते हैं। कहने का मतलब है कि जो उदारवादी कांग्रेस में सदस्य थे, उनके द्वारा डोमिनियन स्टेट की मांग की जा रही थी, लेकिन इनके द्वारा स्वशासन की मांग को पुरजोर से उठाया गया और जो उदारवादी विचारधारा था उनको पलटने की कोशिश की गई। क्योंकि जो उदारवादी थे वो संवैधानिक आंदोलन के माध्यम से भारत को आजाद कराना चाहते थे, लेकिन इन्होंने कहा कि अंग्रेजों को बाहर निकालने के लिए शस्त्र उठाना होगा, सशस्त्र विद्रोह करना होगा, बगैर इसके भारत आजाद नहीं हो सकता। महात्मा गांधी के जो राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले, इनके विरुद्ध यही खड़े हुए थे। क्योंकि गोपाल कृष्ण गोखले जो थे वो संवैधानिक तरीकों से भारत को आजाद कराना चाहते थे, लेकिन तिलक सशस्त्र विद्रोह चाहते थे। जब लॉर्ड कर्जन के द्वारा 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा की जाती है, उसके विरोध में पूरे भारत में स्वदेशी आंदोलन को बढ़ाना, ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार करना, इस आंदोलन को पूरे भारत में संचालित करने का जो कार्य किया था वो बाल गंगाधर तिलक ने ही किया था। जो उदारवादी कांग्रेस थी वो चाहती थी कि स्वदेशी आंदोलन को सिर्फ बंगाल तक सीमित रहने दिया जाए, बहिष्कार आंदोलन को बंगाल, उत्तर प्रदेश के इलाकों तक सीमित रहने दिया जाए, लेकिन बाल गंगाधर तिलक चाहते थे कि इसे पूरे भारत में जोर शोर से उठाया जाए। इनके इसी दृष्टिकोण की वजह से इनका एक गुट बनता है और उन्हें चरमपंथी गुट कहा जाता है। आगे चलकर इनकी विचारधारा से बंगाल के राष्ट्रवादी बिपिन चंद्र पाल और पंजाब के राष्ट्रवादी नेता लाला लाजपत राय इनके साथ जुड़ जाते हैं और इन्हीं तीनों को मिलाकर लाल, बाल और पाल कहा जाता है। तो आप यह ध्यान रखेंगे, इनके द्वारा न सिर्फ भारत को आज़ाद कराने के क्षेत्र में सहयोग किया गया, एक महत्वपूर्ण नेतृत्व प्रदान किया गया, बल्कि ये एक महान समाज सुधारक भी थे। इनके द्वारा महिलाओं को शिक्षा उपलब्ध कराने के क्षेत्र में, महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में मुख्य कार्य भी किया गया था। इनके द्वारा कुछ उत्सव भी शुरू किए गए, गणेश चतुर्थी और शिवाजी जयंती। इसके पीछे इनका मुख्य आधार भारत में राष्ट्रवादी भावना को जोर शोर से प्रसारित करना था। कुछ समय के बाद पुणे के, वर्तमान महाराष्ट्र में जो पुणे है उसके आसपास के क्षेत्रों में प्लेग की महामारी फैल जाती है। सरकार बहुत घिनौनी हरकत करती है, दमनकारी रवैया अपनाती है, लोगों को जबरदस्ती पकड़ा जाता है। इसी के विरोध में इनके द्वारा अपने समाचार पत्र में कुछ लेख लिखे जाते हैं। उन्हीं लेखों को पढ़कर
दो भाई जिन्हें हम चापेकर बंधु के नाम से जानते हैं, उनके द्वारा 22 जून 1897 को वहां के कमिश्नर रैंड और लेफ्टिनेंट आयस्ट की हत्या कर दी जाती है। उनके इसी कारण से, मतलब हत्या के कारण से, इनको गिरफ्तार किया जाता है कि आपने उन लोगों को भड़काया था। उन पर देशद्रोह का आरोप लगाया जाता है, मुकदमा चलाया जाता है और 18 महीने के कारावास के लिए इनको जेल में डाल दिया जाता है। जब 1908 में युवा क्रांतिकारी खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी के द्वारा तत्कालीन प्रेसिडेंसी के मैजिस्ट्रेट की हत्या की जाती है, तो उनको खुला समर्थन तिलक के द्वारा दिया गया था। जब ये जेल में थे उसी समय इन्होंने एक पुस्तक लिखी जिन्हें गीता रहस्य कहा जाता है। उनके बाद इनका हृदय परिवर्तन हो जाता है। जिस प्रकार से ये हिंसात्मक तरीके से देश को आज़ाद कराना चाहते हैं, वो उस प्रवृत्ति से बाहर आते हैं और हिंसा को छोड़ने की बात करने लगते हैं। जेल से निकलने के बाद 1916 में कुछ महत्वपूर्ण नेतृत्व जैसे जोसेफ बैपिस्टा, एनी बेसेंट, मोहम्मद अली जिन्ना, इनके साथ मिलकर ऑल इंडिया होम रूल लीग की स्थापना करते हैं। हालांकि हम ये पढ़ते हैं कि एनी बेसेंट और तिलक दोनों ने अलग अलग होम रूल लीग की स्थापना की थी, यह बिल्कुल सही है। दोनों का अलग अलग क्षेत्र था और दोनों की अलग अलग विचारधाराएं थी, लेकिन लक्ष्य एक था, भारत में स्वशासन की स्थापना। जो इसमें आपको याद रखना है वो मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में रखना है फ्रेंड्स, क्योंकि ये एक ऐसा नाम है जिसको हमेशा हम शक के नजरिए से देखते हैं। मोहम्मद अली जिन्ना 1937 तक भारत की आज़ादी के लिए ही बात किया करते थे, लेकिन 1937 में जब चुनाव होता है, जब जातिगत आधार पर मुस्लिम लीग को वोट नहीं मिलता है, उसके बाद इनका रवैया बदल जाता है और ये पाकिस्तान पाकिस्तान का नाम चिल्लाने लगते हैं। आज क्या है आप जानते हैं। हालांकि आगे चलकर ये कांग्रेस में फिर से शामिल हो गए थे, लेकिन सामंजस्य स्थापित करने में ये सफल नहीं रह पाए और ये जो लक्ष्य इनका था कि कांग्रेस में शामिल होकर देश को आज़ाद कराना, उस पर वो सफल नहीं हो पाए। इनके द्वारा दो प्रकार के समाचार पत्रों का संचालन किया गया, एक मराठा और दूसरा केसरी। फ्रेंड्स आप याद रखेंगे कि मराठा जो था वो मराठी भाषा में नहीं था, जो मराठा था वो अंग्रेजी में था और जो केसरी था वो मराठी भाषा में था, इसे आप याद रखेंगे। जो अन्य बात जिसे आपको याद रखना है फ्रेंड्स, वो ये कि 1884 में दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना बाल गंगाधर तिलक के द्वारा की गई थी, तो इस सोसाइटी का नाम आपको याद रखना ही है। इसी सोसाइटी के द्वारा प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कुछ महत्वपूर्ण कार्य किए जाते हैं। 1885 में एक कॉलेज की स्थापना की जाती है, फर्ग्यूसन। इस कॉलेज में तिलक गणित पढ़ाया करते थे। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां थी बाल गंगाधर तिलक के बारे में। आप इन सारी जानकारियों को याद रखें, प्रीलिम्स में हो, मेंस में हो, जहां भी आए आप उसे याद करके सही उत्तर लिखने की कोशिश करें, सही उत्तर निकालने की कोशिश करें। हम पूरे आप आईएएस टीम की ओर से बाल गंगाधर तिलक और चंद्रशेखर आजाद को उनकी जन्म जयंती के अवसर पर शत शत नमन करते हैं, कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। थैंक यू वेरी मच।